रस के अंगों के अंतर्गत पहले नंबर पे चरण आता है, जिसे पाद या चरण भी कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि चरण क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक उदाहरण दोहा का मैंने लिख दिया है और इसी के जरिए मैं पाद या चरण समझाने जा रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं, पहला नंबर पे आता है जो हमारा रस के अंगों के अंतर्गत, इसे चरण कहते हैं, चरण या पाद कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं हम उन दोनों प्रकारों के बारे में। ये दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार का नाम होता है हमारा समचरण, पहला प्रकार का नाम होता है समचरण, और दूसरा प्रकार का नाम होता है हमारा विषमचरण। ये वही सम और विषम है जिसे ऑड इवन कहा जाता है। तो ये समचरण और विषमचरण हमारे छंद में आते हैं, जो पहला नंबर चरण के अंतर्गत है। इस चरण को ही पद या फिर पाद भी कह दिया जाता है। तो अब हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक दोहा लिख दिया है, तो इस दोहा में हम इस चरण को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि समचरण, समचरण मतलब कि जैसे सम संख्या हो गया हमारा 2, 4, 6, तो इस तरीके से जो होते हैं उन्हें समचरण कहते हैं। विषम चरण के अंतर्गत हमारा 1, 3, 5 इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन दोहा में अधिकतर 2 और 4 का ही प्रयोग होता है, 6 की बारी या तो नहीं आती या फिर कभी कभी आती है। उसी तरीके से 1 और 3 वाले विषम चरण का ही अधिकतर प्रयोग होता है। तो ये तो हो गया चरण। चरण का हमको परिभाषा वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली समझ लेना कि चरण किसे कहते हैं। आइए इस उदाहरण से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो दोहा है कि कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुअर फरे केतक सिंचो नीर। मतलब कि जो भी काम है वह समय से ही होता है, चाहे वृक्ष पे आप कितना भी पानी छींच लो, फल तो समय आने पर ही आपको मिल पाएगा। तो इस दोहा में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले चरण समझते हैं। तो इसमें 4 चरण हैं, कैसे और कौन कौन से। तो यहाँ से यहाँ तक कारज धीरे होत है, ये हमारा पहला चरण है, और यहाँ से यहाँ तक काहे होत अधीर, ये हमारा दूसरा चरण है। उसी प्रकार से ये वाला लाइन हमारा तीसरा चरण हो जाएगा, और ये वाला लाइन हमारा चौथा चरण हो जाएगा। मतलब कि कौमा हमारे चरण को विभाजित कर देता है, कौमा के आगे पहला चरण, कौमा के पीछे दूसरा चरण। तो इस तरीके से चरण डिवाइडेड हो जाते हैं। तो देख लिया हमने कि यहाँ पे 4 चरण हैं। अब इन 4 चरणों का क्रमांक लिख देते हैं। ये वाला चरण हमारा पहले नंबर पे हो गया, ये वाला चरण हमारा दूसरे नंबर पे हो गया, यहाँ पे जो चरण है ये वाला हमारा ये तीसरे नंबर पे हो गया, और यहाँ पे जो चरण है हमारा चौथे नंबर पे हो गया। तो यहाँ पर पहले से ही लिख दिया है कि जो दूसरा और चौथा नंबर पे है, दूसरा यानी कि ये वाला चरण हमारा समचरण हो जाएगा, चौथा यानी कि ये वाला चरण हमारा समचरण हो जाएगा। इसी प्रकार से विषम चरण यदि देखें तो पहला और तीसरा वाला, पहला ये वाला है तो ये वाला हमारा विषम चरण हो जाएगा, और तीसरा ये वाला है तो जो पहला और तीसरा होता है ये हमारा विषम चरण होता है, और जो दूसरा और चौथा होता है ये हमारा समचरण होता है। संख्या के हिसाब से ही ये डिपेंड करता है ना, विषम संख्या है तो विषम चरण है, सम संख्या है तो समचरण है, और ऑड इवन पे ही डिपेंड करता है। ये तो था हमारा चरण, जिसे पद या पाद कहते हैं। यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ जा करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं।